Holy God, was like I was going to say. अगर लोग उसके अंदर से उसको और तेज इच्छात में बता क्या करना तेरे साथ सुनो क्या किया जाए काट के दो टुकड़े करना क्या तुझे छोड़ देना बोल क्या तकलीफ दे रहा था तू बच्चे को हाँ जोर से बोल हाँ और जोर से क्या बोले थे तुझे क्या तकलीफ दे बोले थे बच्चे को क्या नाम है छोकरे का अंसार अंसार को क्या तकलीफ दे रहा था तू अंदर बैठ के कुछ मत बोलो अभी तक चुप देखो पकड़ लिया अंदर का शैतान दिख रहा नहीं क्या झगड़ो उसको और तेज से और जोर से लाबाज जंजीरा और इसको तेज एक साथ में झगड़ लो इसको काट काट के इसको जला के राख करिए छोटे छोटे टुकड़े करके बाहर टांग देंगे अगर इन्हें सही सही मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो बोल कहां से लाए थे क्या तकलीफ दे रहा था तू बच्चे को हाँ जोर से शमशान से कब्रस्तान से क्या खुद ब खुद आया था बाहर भेज गया तुम आपको झगड़ा उसको और तेज साथ में लगा रहे जोर से और जोर से लगा पूरी ताकत पढ़े तक बिस्मिल्लाह दूसरी चक्कर तक सब याद करके आके सुनाना कौन डाली थी इसके अंदर कहां से लाए थे शमशान से कब्रस्तान से तू इसको कब मारने वाला था और इसी घर से कितने लोगों को मारने वाला था और कितनों को मारा सारी दास्तान बयान करना मुझे दूसरे चक्कर में आकर तू उसको क्या क्या परेशानी दे रहा था उसको क्या क्या वबा में लगाया था और तूने उसको क्या क्या आदतों में लगाया था बुरी वो सब तू आके बयान करेगा दूसरे चक्कर में नामों के साथ में कौन लोगों ने डाले ठीक है ना हाँ जा सब याद करके एक मौका दे रहे थे कम बखत दूसरे चक्कर तक का अगर नहीं बोलेगा तो फिर बाल काट के पसंद कर देगा जब तक इसके सारे शक्तियों को इसको मिलने वाले ताकतों को पावर को सबको उतार के अंदर जकड़ के जला के राख करने की तैयारी करो और वो लड़के को उल्टे और जुलाब लगा के सारी दवा अंदर के लिए बाहर निकाल के फेंको और ये नालायक को मार मार के सब याद दिला के लाओ दूसरे चक्कर तक मेरे सामने कौन डाले थे कहां से आया था सब बयान करना समझ गया चल जा कम बाहर ले जाओ उसको पकड़ के बंदालो बस क्या नाम इसका अंसार पानी पियो अरे क्या होगा तुम यहाँ पानी पियो क्या मार मार रहे इनकी तरफ मार हाँ क्या होता था इसको पहले शराब पीता नशे खड़े रहे कैमरा लेके उधर से चार्जिंग नहीं है उसमें क्या कर रहे तुम लेके वैसे चार्जिंग लगा रहा नहीं हो रहा क्या लेके जाऊंगा 15 दिन का है महीना भर का है एक साथ में ये जो दास्तान है तो ये अंदर पिलाए वाला है दारू के अंदर मिला के दवाई अंदर अटक गए वाली है और वो क्या करती उसको दव खींच खींच के नशा करने को ले जा रही थी और वो नशा करके आ रहा शैतान बन जा रहा था तुम्हारे लोगों को खूब लड़ रहा था बोल रहा था वो बराबर पाता ये कैमरा लेकर ये जो है तो इसके अंदर इसी दास्तान है बच्चे को लेके आया उन्होंने बच्चा नशा कर रहा था क्या तुम कर रहा था दारू और नशा और बुढ़िया बुढ़िया घुट के तो यहाँ पर लाके बिठाते सामने पकड़े उसके देखो आ गया हमने ये जो था तो अब सब लोग यही समझ रहे थे कि इन्हें खुद नशा कर रहा हूँ पेशेंट मगर देखिए सामने लाई मैंने लाके बताया अल्लाह के हुक्म से इसी दास्तान रही कि ये नशा इन्हें नहीं कर रहा था इसके अंदर बैठे रही शय इसको नशा करा रही थी और वो शय अभी हाजिर हुई मगर वो शय को भी पकड़े अभी वो कुछ बयान उससे नहीं पूछे ज्यादा उससे आगे के राउंड में पूछी गई सही तरीके से उनसे भी नाम याद करेंगे कौन डाले थे कहाँ पिलाए थे कैसा पिलाए थे उसको क्या क्या दास्तान है सेकंड राउंड तक इंशाल्लाह ताला सही तरीके से सब बयान कर देंगे जहां पर इंसान खुद होकर खींचता हुआ कोई नशे की तरफ जा रहा कोई बुरी आदतों की तरफ जा रहा समझ जाना खुद नहीं जा रहा उसे कोई खींचता हुआ नहीं जा रहा
उसके अंदर कोई शय है, उसके अंदर कोई चीज बढ़ जाएगी, आकर वो उसको ले जाकर नशे करा रही, बुरे सोबतें लगा रही, बुरे आदतें लगा रही, ऐसी दास्तान लिखी। अब ये तो लोग यही समझ रहे होंगे कि भाई खुद छोकरा जाके कर रहा हूँ नशा, पीके आके कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ, ऐसे समझते लोग। लेकिन देखे सामने लाई हूँ मैं अल्लाह के फजल करम से, क्या बात थी, क्या अंदर चल रहा मसला, ये अंदर बैठेली शय ये जो भी बला है ये उसको पिला रही थी, और ये अंदर बैठेली बला खुद ब खुद आई वाली नहीं, ला कर छोड़े वाली है। कौन छोड़ा, क्या छोड़ा, इंशाल्लाह ताला सेकंड राउंड तक पूरा सही तरीके से बयान कर रहा हूँ, क्योंकि अभी खुद ब खुद तो आए वाला नहीं है। खुद ब खुद अगर आए वाला रहता तो अभी एक मिनट में निकल के चल जाता था। अब इसका तरीका ये रहता कि इसको इसके तरीके से उतारे अमला करके उसको कमजोर हो बला को करके बाहर निकाल के फेंकना पड़ता। जब अमल चलते तो फौज वहां हाजिर होती है, करके उसे पूजा करते, उसको बाहर निकालते, मारते करते, फिर उसको नशे के करीब जाने नहीं देते, क्योंकि जब उसके अंदर से बला निकालेंगे तो खुद ब खुद नशे के करीब जाने से बुरी आदतों से रुक जाएगा और बच जाएगा। तो ये रहता तरीका और ऐसे दास्तान ही। और बेहतर है कि दुनिया वालों एक बात याद रखना मेरी, कि ये सब चीज़ों से महफूज रहने के लिए अल्लाह ने तुम्हारा कलाम इलाही दिया है, उसके अंदर हर वो चीज़ बता दिया ली। ये सब चीज़ों को याद करो, मश्क करो, याद करो, जबान पर उतारो, जितना तुम ज्यादा पढ़िए उतना ज्यादा तुम्हारा फायदा है। किसी का क्या जाने वाला है, दर्द जिसको हो, जख्म जिसको होता दर्द भी उसको होता, बाजू वाले को सिर्फ एहसास भी नहीं होता, सिर्फ बाजू वाला मलाल कर सकता कि अरे भाई इसको जख्म हुआ, हाँ दो मिनट का गम, मगर दर्द उसको नहीं होता, दर्द उसको ही होता जिसको जख्म होता। इसलिए याद रखना कि जख्म पर मरहम लगाने के लिए अल्लाह ने कलाम दिया था, कलाम इलाही। तुम कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो, घर का मामूल बनाओ, घर के अंदर एक ऐसा बनाओ, बच्चों को दीजिए मोबाइल ना दिला के, तुमने बच्चे लग गया मोबाइलों में, बड़े भी लग गया मोबाइलों में, बुड्ढे भी लग गया मोबाइलों में, सब लोग शर्म करो, शर्म करो, दुनिया पानी है। कुल्लुन्नफ्सुल ज़ायफतुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मतलब चखना, क्यों तुम मरना है। देखो हर चीज को वक्त के मुकर्रर करो, हर चीज का ऐसा नहीं बोल के तुम्हारे सारे पाबंदियां नहीं लगा देता। इस्लाम इस्लाम तुम्हारे को हिस्सा है कि तुम्हारी महफूजगी, तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारे भले के बारे में सोचता हर वो मामले में, तुम्हारे रहबरी करता, तुम्हारी ढाल है। हदीस, कुरान, नमाज, दुआएं, ये सब चीजें तुम ये पढ़ेंगे तो तुम महफूज रहेंगे। इबादत के टाइम इबादत करो, पढ़ने के टाइम पढ़ो, लिखने के टाइम पे लिखो, हर चीज जो भी है तुम्हारे उस टाइम पे करो, वॉकिंग के टाइम पे वॉकिंग करो, खाने के टाइम पे खाना खाओ, लेकिन दुआ हर वक्त दुआ याद करो, हर चीज की दुआ याद करो, चलने की, फिरने की, घर से बाहर निकलने की, खाने की, खाना खाने की, तुम्हारे दुआ याद नहीं तो चारों कुल है तर कुर्सी, चारों कुल कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये चारों सुरों को 100 बार पढ़ना 3 दिन में एक बार, और आयतुल कुर्सी को 100 बार पढ़ना 3 दिन में एक बार, ये सब चीजों को, और पानी में दम करके पीते जाने से महफूज रहेंगे तुम सब गुनाहों से, और हर नमाज के बाद में 7-7 बार पढ़ने का मामूल बनाना, ये चारों कुल को आयतुल कुर्सी को, ये सब वबाओं से महफूज रहेंगे। कुरान सीखो, अगर कुरान तुम बुनियाद देंगी तो जिक्र अस्कार करो, और तुमको जिक्र नहीं आता होगा तो मेरे यहाँ सामने आओ और मेरे को आकर पूछो कि कौन सा जिक्र करना, हमारे नाम के हिसाब से कौन सा जिक्र शुरू होता, मैं तुम्हारा जिक्र लिख के दूंगा या जो जिक्र बताऊंगा उसको नोट करके जाना, जितनी तादाद बताऊंगा उतनी तादाद में पढ़ना, तो ये तुम सब महफूज रहेंगे, ये तुम्हारी ढाल है। वरना जो ना मांगे सीख तो फिर वो दर दर मांगे भीख, समझ गए ना। इसलिए बाद में दर दर फिरना पड़ेगा अगर कुछ बाबा घेर ली तो, वो भी 2 टक्के के जादूगरों के पास में, 2 टक्के के जादूगरों को कुछ आता नहीं, फेकम फाकिया करके तुम्हारे उल्लू बना के तुम्हारी जेब खाली कर देते हो, और दूसरा कुछ नहीं, तुम्हारे कोई फैज नहीं मिलता उनके पास से कुछ नहीं, उल्टा रहा तुम्हारे पैसे भी जाते और तुम्हारा टाइम भी जाता और तुम्हारा पेशेंट भी राइट नहीं होता डुप्लीकेट के पास में, क्योंकि उनको आता तो नहीं तो उनको क्या करेंगे, उनको कुछ इतने मालूम जादू टोने का, अलीफ का नाम भाला नहीं मालूम, तो क्या करेंगे तुम्हारा इलाज, ये दुनिया कैसी, इसके रूल्स क्या है, इसके कानून फायदे क्या है, उनको क्या पता, बैठ के तुम कुछ भी बात फेंक रहे हो जो दिल में आ रहे तुम झेल रहे। इसलिए समझो, समझो हदीस और कुरान को जो समझ कर पढ़ा तो उसकी दुनिया व आखिरत दोनों बन गई, तो इसलिए दुनिया व आखिरत दोनों बनाओ, बर्बाद मत करो। जादूगर के पास जो जाएगा वो हमें से नहीं, वो हमें से नहीं, वो हमें से नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। और बार बार मैं एक बात बता रहा हूँ तुमको कि वली अल्लाह और बुजुर्गाने दीन जो रहते वो अल्लाह के बहुत करीब रहते, इसलिए उनको कभी बुरा नहीं बोलना, कभी बुरा नहीं बोलना। तुम बुरा बोलेंगे तुम पर जादू करने वाला है तो हटा देगा कोई ना कोई, कोई ना कोई अल्लाह वाला तुमको मिलेगा हटा देगा, तुम पर कोई और परेशानी है हटा देंगे, तुम बीमारी में मुब्तला है कोई डॉक्टर मिलेगा बीमारी हटा देगा, जादू से बीमारी है तो कोई अल्लाह वाला मिलकर हटा देगा। अगर बुजुर्गाने दीन को अगर तुम बुरा बोले अल्लाह वालियों को और वो तुम पर आजाब अगर नाजिल होगा अल्लाह तुम पे जलाल में आगा तो फिर तुम कहाँ जाएंगे, किसके तरफ, कौन तुम्हारे ऊपर राइट करेगा, कोई नहीं कर सकता। फिर जब तुम्हारा रब रब्बुल आलमीन खालिकुल मालिक जब तुम्हारे पर
नाराज हो जाएगा तो फिर तुम कहाँ जाने वाले, कौन कौन राजी कर सकता है? करो किस सजदे में सर रखते होता के राजी देखो। इसलिए ये बातों का ख्याल रखना, छोटी छोटी बातें मगर बहुत बड़ी बड़ी है। तुम अगर किसी को भी बुरा बोल दे रहे, किसी को क्या मालूम तुम्हारे कौन कितने मरतब में बुलंद है अल्लाह के नजरों में, अल्लाह के सामने कौन कितने, अल्लाह ने जो कितना बड़ा मर्तबा दे के रखा, किसी को क्या मर्तबा दिया, किसी को क्या दिया, तुमको थोड़ी पता। तुम खाली मुंह फटा के बोलते रहे गरीब नमाज ऐसे, वो बंदा नमाज ऐसे, वो इनो ऐसे, कलियर शरीफ वाले हजरत ऐसे, अरे अरे ऐसे मत बोलो। बहुत इबादत करे उन्होंने तुम्हारे मौलवी लोग, दुनिया के जितने बड़े भी आलिम बताना मुझसे, पर कई बार बता बार बार ऐसा। वो मौलाना रोम का आलिम था, 70 खिरात में 72 खिरात में अलग अलग कुरान पढ़ते थे। तुम्हारे दुनिया के आज के मौलवियों को 2 खिरात भी नहीं आते उनके कुरान पढ़ने के, 21 खिरात में पढ़ते, 72 खिरात में अलग अलग पढ़ते थे। 72 खिरात क्या करते ये भी मालूम हुआ तुम्हारे मौलवियों, बात कर रहे हो खाली खाना मालूम है, दावतों में जाके जानवर के जैसा फूल जाना। बताओ कौन से अल्लाह वाले बुजुर्ग वाले फूल आ लेते, खाते चले थे ना 24 घंटे इबादत में रहते थे बोलकर राज करके। तो ये जो इल्म है, इल्म मूसा और इल्म खिज़र दोनों अलग अलग है। इल्म मूसा वो इल्म है जो शरीयत का इल्म है, और इल्म खिज़र वो इल्म है जो तरीकत का इल्म है। क्योंकि यहाँ कुरान में पढ़ो सब समझ में आता तफसीर में। तो कभी वली अल्लाह और बुजुर्गाने दीन के बारे में बुरा नहीं बोलना। अगर तुम बुरा बोल दिए तो फिर अल्लाह फरमाता कि मेरे वलियों को बुरा बोलते, और अगर उनके वास्ते जरा भी दिल में अपने बोझ रखते तो फिर अल्लाह तुमसे खुले जंग का ऐलान करता। जब अल्लाह तुमसे खुले जंग का ऐलान कर रहा तो फिर तुम्हारी दुनिया भी गई, आखिरत भी गई, कहीं किस कुछ नहीं बचे। इसलिए बुजुर्गाने दीन कभी नहीं बोलना बुरा बोलना। अल्लाह अगर नाराज हुआ तो क्या करिए, इसलिए उनको उनका नाम आने से पहले अदब के दायरे में आ जाना पड़ता अदब। क्योंकि इस्लाम में अदब तो सिखा वाला है ना, बा अदब बा नसीब, बद अदब बद नसीब। इसलिए सब बातों का ख्याल रखो। क्योंकि मैं जादू टोना हटा दूंगा तुम मेरे पास नहीं गए तो, शैतान भी हटा दूंगा, खबीस भला बतराएं भी हटा दूंगा, मगर तुम अगर अल्लाह के आजाब में गिर गए तो वो कहां से हटाऊंगा, मैं थोड़ी हटा सकता हूँ, फिर कोई नहीं हटा सकते। अल्लाह का आजाब फिर तुमको सजदे में सर रख के होना पड़ता, फिर वो कब राजी होगा कब माफ करेगा उसकी मर्जी। और वो तो खुले जंग का ऐलान करता फिर उसके बुजुर्गान दीन को, वली अल्लाह को अगर बुरा बोले तो। ये सब बातों पे अमल करो, अमल करो और इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो तो तुम महफूज रहेंगे। और भी बहुत सारे बातें हैं, खैर अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। और जाहिल इस्लाम में उसको ही बोला है जो पढ़ा लिखा है, जो जान के भी अनजान बन रहा तो उसको जाहिल बोला, अनपढ़ बोला। चलो खैर अल्लाह कहने, कहाँ से आए तुम लोग? श्रीरामपुर से, अहमदनगर। अच्छा अच्छा, वो ऐसी बात है। देखिए ना अभी क्या है, तो ये क्या चल रहा था मसला, तो तुम लोग समझ रहे होंगे कि उनके खुद ही पीरा के आएगी, उन पी के खुद ही लड़ाया कर रहा है कि अंदर की बला कर रही थी। एक डेढ़ दो बजे भी डबल खाना खाएगा, आठ नौ चपाती खाएगा, मामला दुकान जगा लेगा, उसको समझ में नहीं आता। फिर बीवी दूसरी बीवी भी करके दे, दूसरी बीवी को भी बहुत मारना धोना है। दो तीन महीने की लड़की है छोटी सी, घर में सब घर वाले डरते थे, भाभी लोग भी डरते थे। ऐसा हो गया कि अब कुत्ते को इज्जत है, पड़ोस को नहीं, पड़ोस की वजह से सारा घर परेशान है। और दूसरी बात क्या बोलते, तो जैसे जैसे अमल चलेंगे, अमल के दौरान उल्टी जुलाब लगेंगे और ये सब निकल के चले जाएंगे, और तेजी के साथ में रटूंगा। और बाद में बला सब बयान करेंगे, यहाँ कौन डाले थे, क्या डाले थे, कितने लोग आते, पूरा खुलासा होगा। जिसके बिना हम निकले उनको लड़ने जगह नहीं है, रखना बच्चा सही सलामत चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। इंशाल्लाह ठीक है, चलो।